हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 61 से। एन अरेंजमेंट ऑफ थ्री पैरेलल स्ट्रेट वायर्स प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर कैरिंग सेम करेंट आई अलोंग द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ इन द मिडिल वायर B इज गिवन बाय। सबसे पहली बात यह है कि दो वायर है इस तरह से, तो आपको ये पता है कि इसमें जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए ये वाई वन है सपोज दैट और ये आई टू है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है, तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। आपको ये मालूम है ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला वायर इस पर फोर्स लगाएगा और ये वायर इस पर फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, न्यूटन थर्ड लॉ की तरह होगी। तो इसका वैल्यू जो होगा एफ बराबर म्यू नॉट आई वन आई टू इंटू एल डिवाइडेड बटे टू पाई डी, तो ये हो गया एफ। अब कोई कहे कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालिए, तो ये हो जाएगा एफ बटे एल म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बटे टू अपाई डी। इसको स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं म्यू जीरो, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, फोर पाई, टू पाई को आप फोर पाई कर दीजिए, नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टू आई वन आई टू डिवाइडेड बटे डी, ऐसे हो जाता है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। अगर करंट अपोजिट हो जाएगी तो इसमें जो फोर्स होगा वो बाहर की तरफ होगा, रिपल्सिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू वायर्स, आप पढ़े होंगे। उसी पर बेस्ट 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, इस तरह से दिया हुआ है आपको और फिर ऐसे दिया हुआ है और फिर यहां पर ऐसे दिया हुआ है। इसका नाम है सी, इसका नाम है बी और इसका नाम है ए, ये डिस्टेंस है डी और ये भी डिस्टेंस है डी। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग पढ़ते हैं डॉट, ये डॉट है, ये भी डॉट है, ये डॉट है और ये है प्लेन। बोर्ड क्या है, प्लेन, तो ये प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, मतलब कि इसमें एक वायर है जो करंट ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, इसमें भी करंट बाहर की तरफ निकल रही है, इसमें भी करंट बाहर की तरफ निकल रही है। डॉट का मतलब हुआ बच्चों कि इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर इस तरह से कुछ रखा हुआ है, ऐसे कुछ रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है, तो क्या रखा हुआ है, करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है और डॉट का मतलब हुआ कि करंट जो है वो बाहर की तरफ निकल रही है। क्लियर है, तो एक वायर यहां हो गई और एक वायर कहां हो गई, यहां हो गई, देख रहे हैं ना, ऐसे हो गई, तो इन दोनों वायर के बीच एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। फोर्स कैसा होगा बच्चों, अट्रैक्टिव, ओके, अट्रैक्टिव होगा। अब इस वायर के वजह से इस पे फोर्स, तो अट्रैक्टिव का मतलब इधर फोर्स लगेगा, इस वायर के वजह से इस पे फोर्स, तो उसका फोर्स इधर लगेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। ये समझ में आ गया आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किस वायर पे इधर ये फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी और फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, पर यूनिट लेंथ पूछा है, यूनिट लेंथ, तो इसी का नाम है, यही फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया। तो एफ जो है, एफ बी सी और एफ बी ए दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि करंट का मान सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, करंट और डिस्टेंस चाहिए आपको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई फिर आई डिवाइड बटे टू अपाई डी, तो ये आ गया बच्चों म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइड बटे टू अपाई डी। और बात है क्या कि दोनों जो है
एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रिजल्ट क्या होगा, जो एफ रिजल्ट होगा एफ आर, वो क्या होगा, एफ एफ बी सी इसका स्क्वायर प्लस एफ बी ए इसका भी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का रिजल्ट होता है। और दोनों इक्वल है तो रूट अंडर टू इनटू कोई एक वैल्यू लिख देंगे, म्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे टू पाई और डी। अब इसको आप कंजुगेट कर सकते हैं या ऐसा ही छोड़ सकते हैं। अभी आप देखिए कि इसमें आंसर में क्या दिया हुआ है, तो रूट टू नीचे में रूट टू दिया हुआ है, तो ऐसे है रूट टू ऊपर भी कर दीजिए, रूट टू नीचे भी कर दीजिए। रूट टू ऊपर नीचे करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट टू ऊपर भी करना है एक बार रूट टू, फिर नीचे भी करना है रूट टू, म्यू नॉट आई का स्क्वायर रूट टू, एक एक्स्ट्रा किए हैं तो टू रूट अंडर टू पाई, फिर क्या करेंगे डी। तो यहाँ पर हो गया टू म्यू नॉट, फिर क्या हो गया आई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे टू रूट अंडर टू, अब फिर क्या होगा पाई इंटू डी। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ आर इज इक्वल टू म्यू नॉट फिर आई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे रूट अंडर टू, फिर क्या हो गया पाई इंटू डी, और यही हो गया आंसर। और आंसर में देखेंगे तो आपको डी मिला है, सही बच्चों, डी नहीं बी, बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको सवाल ये समझ में आया होगा क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 62 सभी क्वेश्चन ना फोर्स से ही रिलेटेड है। अभी स्क्वायर लूप ए बी सी डी कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड नियर अ कोप्लेनर वायर, सॉरी कोप्लेनर विथ अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई अ करंट कैपिटल आई, द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी। सबसे पहली बात देखो 62 में समझिएगा, इस तरह से एक वायर दिया हुआ है जिसमें करंट जो है कैपिटल आई है और एक्स और वाई इसका नाम है, और यहां पर एक स्क्वायर दिया हुआ है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हो गया। इसमें करंट इस तरह से मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये है आई, आई स्मॉल आई है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, सी है और डी है, और यहां पर क्या हो गया, ए हो गया आपका एल, और फिर यहां पर भी क्या हो गया, ये हो गया एल वाई टू। ओके, तो आपको निकालना है नेट फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बताना है, क्लियर। तो सबसे पहली बात कि ये वाला वायर और ये वाला वायर अगर देखा जाए तो दोनों पैरेलल है, तो इस वायर के द्वारा इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, मतलब कि एफ ए बी इधर लगेगा। अब इस वायर को और इस वायर को देखा जाए तो एंटी पैरेलल हो गया, तो एंटी पैरेलल में फोर्स अपोजिट में लगता है, तो हम इसके द्वारा इस पे फोर्स अगर पता करें तो कैधर होगा, इधर हो जाएगा एफ सी और डी होगा, या इस पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स इधर होगा और इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे तो इधर होगा, एक ही बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये वाला जो वायर है, ये वाला, इस वाला वायर की वजह से इस पे जो फोर्स होता है वो जीरो होता है, मतलब कि जो परपेंडिकुलर वायर होता है तो फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो जीरो, इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो हो गया जीरो। तो नेट फोर्स जो होगा एफ नेट, वो क्या लिखिएगा, एफ नेट इज इक्वल टू लिखिएगा, ये वाला ज्यादा है तो एफ ए बी है ना, और माइनस एफ क्या लिखेंगे सी डी, ऐसे लिखेंगे फोर्स को, सही है। तो एफ ए बी का वैल्यू क्या लिखिएगा, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई डिवाइडेड बटे टू पाई डी, मतलब कि टू पाई डी, तो टू और पाई और डी के बदले क्या लिखेंगे एल बाई टू, फिर माइनस म्यू नॉट आई स्मॉल आई डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे टू पाई डी, और डी का मतलब यहां से एल है, एल बाई टू है और फिर यहां पर एल है, तो एल बाई टू प्लस एल क्या होगा बच्चों, थ्री एल डिवाइडेड बटे टू,
कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हो गया क्या, 3L डिवाइडेड बटे 2, ऐसा होगा। ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, यहां पर पाई एल, यहां भी पाई एल मिल रहा है, और ऊपर में कॉमन है म्यू जीरो आई और स्मॉल आई, और डिवाइडेड बटे क्या होता है पाई, ओके, और इनटू क्या होगा एल, यहां पर क्या होगा 1, यहां पर क्या होगा 1/3। इसको सोल्व करेंगे, म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई पाई इनटू एल, और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा 2 डिवाइडेड बटे 3, तो यहाँ पर होगा 2 बटे 3 म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई और पाई फिर एल, और ये हो गया एफ नेट। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे जो होगा वायर लंबाई जो है एल, इस वायर का जो लंबाई है वो कितनी है एल है इस वायर की, तो सभी में क्या करना होगा आपको एल निकाल, चूंकि आप फोर्स निकाल रहे हैं ना, तो यहां पर आपको याद है एल भी होता है, यहां पे सभी में क्या होगा एल भी होगा, तो यहां भी आपको क्या होगा एल हो जाएगा, यहां भी एल हो जाएगा, है ना। और फाइनली यहां भी क्या होगा, ये आई है, यहां भी एल हो जाएगा, और एल बराबर क्या है ई है, तो एल एल कट जाएगा 2/3 म्यू नॉट आई स्मॉल आई, और यहां पर एल पुट करेंगे तो एल कट जाएगा, है ना पाई, यही हो गया आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। या आप ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स पॉइंट लेंथ पूछा है, तो ये हो गया आपका पाई, सी आंसर करेक्ट, ओके। 63, अ स्क्वायर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट आई इज प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग स्टेडी करंट आई वन एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द कंडक्टर एज शोन इन द फिगर द लूप विल एक्सपीरियंस। इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से एक वायर दिया हुआ है, और इस तरह से एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है, स्क्वायर लूप दिया हुआ है। तो ये हो गया आपको क्या, इसमें जो करंट है वो आई है, और इसमें जो भी करंट है वो भी आई है, ये भी आई है, और यहां पर क्या होगा, ये हो गया आपका डी, इस तरह से डी हो गया, और यहां पर क्या हो गया आई वन, इस तरह से होगा। तो कह रहे कि जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो क्या होगा, तो यहां पर मान लीजिए कि कुछ होगा एल होगा, बिल्कुल इस तरह से एल होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे, इस वायर को क्या करेगा, ये इधर की तरफ खींचेगा। अगर नाम देना चाहते तो दे सकते हैं ए बी सी और डी, तो इधर जो फोर्स लगेगा उसका नाम होगा एफ ए बी, चूंकि पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा, इस वाला वायर को क्या करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, क्योंकि एंटी पैरेलल है, ये करंट इधर इसका अपोजिट में है, तो ये हो गया सी डी, इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अब यहाँ पर जब से एफ ए बी, अगर कोई पूछे कि एफ ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो लिखेंगे म्यू जीरो आई वन फिर आई इन टू इस वायर की लंबाई, इस वायर की लंबाई मान लेते हैं एल, म्यू जीरो आई वन आई टू इन टू एल, और डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा 2 पाई और सिंपली डी। अब एक ए अगर सी डी निकालेंगे एफ सी डी, तो यहाँ पर क्या होगा म्यू जीरो आई वन और आई, और फिर क्या होगा एल डिवाइडेड बटे क्या होगा 2 और पाई, और क्या होगा डी प्लस एल, डी प्लस एल होगा। तो अब क्या है कि ये वाला जो फोर्स है वो छोटा है, तो ए बी क्या है बड़ा है सी डी से, तो ज्यादा इधर फोर्स लगेगा और इधर कम लगेगा, तो फाइनली क्या करेगा वो अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसी की तरफ जाएगा, इस वायर के तरफ ये स्क्वायर जाएगा, तो अट्रैक्टिव हो गया ना, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स क्या है कम है, तो ये ज्यादा खींचेगा और कम रिपेल करेगा, तो फाइनली कहाँ चल जाएगा इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव मतलब कि अट्रैक्ट करेगा,
अट्रैक्टिव। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए में है नेट फोर्स अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द कंडक्टर, तो ए ही आंसर हो गया, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। नो डाउट 64, क्वेश्चन नंबर 64। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट अ डिस्टेंस 1 meter, बोथ ऑफ देम कैरिंग 1 ampere करेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ द टू वायर्स इच। दो वायर्स हैं और दोनों में जो करंट है वो सेम है और दोनों 1 meter के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आपको बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो F इक्वल टू जो होता है वो होता है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बटे 2 pi d into L। आपको बताना है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो F बटे L ये बताना है। म्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 pi d, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ये, स्मॉल F सिंबल दे देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, म्यू जीरो, इसको लिख सकते हैं 4 pi सुविधा के लिए, और यहाँ पर लिखते हैं 2i का स्क्वायर डिवाइडेड बटे d। अब सवाल ये है कि d कितना है, d 1 meter है, d 1 meter है और जो करंट है दोनों में वो 1 ampere है, मतलब कि i इज इक्वल टू भी कितना है 1 ampere है, तो फोर्स बताना है। फोर्स हो गया, इसको लिख देते हैं क्या 4 pi, म्यू जीरो बटे 4 pi को क्या लिखते हैं 10^-7 लिखते हैं, 10^-7 into 2 into 1/1, तो ये हो गया 2 × 10^-7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि यहाँ पर होता है म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 pi × 10^-7 लिखते हैं, तो म्यू जीरो बटे 4 pi का वैल्यू कितना लिखेंगे, 10^-7 लिखेंगे ना, यही आपको मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो 2 × 10^-7 न्यूटन होगा और न्यूटन पर मीटर होगा और यहीं पे आंसर होगा, और ऑप्शन में देखा जाए तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 65। टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 cm अपार्ट एंड ईच कैरी द करेंट 10 ampere इन द सेम डायरेक्शन, द फोर्स एक्सपीरियंसड बाई वन वायर ऑन द अदर पर यूनिट लेंथ। इसमें भी क्या करना है बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हुआ कि आपका सेम डायरेक्शन में है और सेम करंट है और इसके बीच का दूरी जो है वो है 10 cm, क्लियर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होता है म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बटे 2 pi d, इसी को ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट बटे 4 pi, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 कर दिए इसको, और आई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना डी, यही हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ देख लीजिए, आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 ampere और डी इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 cm, तो 10 × 10^-2, इसको लिखेंगे 10^-7, ये हो गया ई और आई का वैल्यू है 10 ampere, तो स्क्वायर कर देंगे उसको, D बराबर लिखा हुआ 10 × 10^-2, क्लियर। तो एक यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, इस पे घटेगा तो 4 हो जाएगा, 2 × 10^-7 और 10^3, तो यह हो गया 2 × 10^-4 न्यूटन पर मीटर, यही हो गया आंसर। और ऑप्शन देखा जाए तो -4 ऑप्शन देखा जाए तो ए है और अट्रैक्टिव है, फोर्स कैसा है अट्रैक्टिव है, क्योंकि दोनों का जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स एक दूसरे को क्या लगेंगे, तरफ लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 66
सिक्स 66 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 ए एंड रेजिस्टेंस आर इज वाउंड अप इन अ करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, अ स्क्वायर ऑफ साइड ए। The magnetic dipole moment of the coil each cases respectively are, okay? आपको magnetic dipole moment बताना है। सबसे पहली बात कि एक 12A का वायर है, मतलब कि 12A उसकी लंबाई है। अब इसको इसमें रेजिस्टेंस कितना है, R है, R रेजिस्टेंस है। अब इसको कह रहा है कि पहले आपको बताना है, बना देना है कि इसको एक पहला में कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया मैंने, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, सही है। दूसरा में कह रहा है कि आप इसको स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर बना दीजिए। तो स्क्वायर जैसे बनाइएगा इसको, ए साइड का, इसका कितना साइड का, ए साइड का। देखो ए ए और ए, इसको भी ए ए ए और ए। तो ये कितना हुआ, ए ए ए लंबाई कितना हुआ, 3A हुआ ना। आ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो ऐसा ऐसा कितने बनेंगे, चार बनेंगे, है ना। जैसे ए ए ए एक बार लपेटे, एक बार और इस पर लपेट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6। एक बार और ऐसे लपेट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9। और एक बार और ऐसे लपेट दीजिए तो हो गया 12, 12 हो गया ना, 12A। तो कितने बार लपेटा गया, चार बार। आ इसको कितने बार, तीन बार। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर नंबर ऑफ टर्न्स इसका निकाल रहा है N1। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेगा, N1 इज इक्वल टू 12A डिवाइडेड बटे कितना, 1, 2, 3, 3A। तो चार होगा इसका, नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, 4। इसमें कितना होगा, N2 कितना होगा, 12A डिवाइडेड बटे 4A कितना हो जाएगा, 3। गुड आउट नहीं, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसका हम लिखते हैं क्या, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका लिखते हैं B1 N1 A1 इंटू आई, आई इंटू ए। इसका पर लिखते हैं फॉर्मूला, लिखते हैं आई इंटू ए। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं N2 I2 इनटू कितना, सही लिखा है नहीं बोलो, सही है गलत है। अब यहां पर देखिए N1, N1 कितना है, N1 है आपको 4। एरिया कितना है, रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाय 4। इसका साइड कितना है, a का स्क्वायर इनटू i। गुड आउट नहीं। फिर क्या है बच्चों, यहां पर म्यू टू को कैलकुलेट करिए। म्यू टू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और a का स्क्वायर, 3 इंटू a का स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर इंटू i, ये हो गया। ओके देख लो भाई, तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, रूट अंडर 3 a स्क्वायर इंटू i। यहाँ पर क्या होगा, म्यू टू इज इक्वल टू 3A स्क्वायर इंटू आई। तो ये आंसर हो गया स्क्वायर वाला का, और ये आंसर हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपको, बी। इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके क्वेश्चन नंबर 67। A rectangular coil of length 0.1 meter and width 0.1 meter having 50 turns of the wire suspended vertically in a uniform magnetic field B 0.2 Weber per meter square. The coil carry a current of 2 ampere if the plane of the coil is inclined at plane of the coil inclined at an angle of 30 degree with the direction of the field, the torque required to keep
द क्वाइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह का एक स्क्वायर है, समझिए बच्चों, इस तरह का एक स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कुछ ऐसे दिया हुआ, देखो ऐसे, ये प्लेन हो गया तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। प्लेन से 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमको ऐसे कुछ दिया हुआ है ऐसे, और ई हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर, ये हो गया आपका, मान लीजिए एरिया वेक्टर है, और ई हो गया आपका कौन, ये हो गया आपको बी। तो ये जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है ये, तो हमको चाहिए एरिया और बी के बीच का एंगल। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको 60 डिग्री। कितना चाहिए, 60 डिग्री। तो थीटा जो आ गया वो आ गया 60 डिग्री, क्लियर। नंबर ऑफ टर्न्स आ गया आपको 50, कैपिटल ए नहीं लिखिए, नंबर ऑफ टर्न्स आ गया 50। इसमें जो लेंथ है, ये वाला जो है लेंथ, ये है 0.12 मीटर, और ये जो है बच्चों ब्रेथ वो है आपको 0.1 मीटर। मैग्नेटिक जो फील्ड दिया हुआ है वो है 0.2 वेबर पर मीटर का स्क्वायर। आई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 2 एम्पियर, आई दिया हुआ 2 एम्पियर। तो आपको बताना है कि टॉर्क का वैल्यूज क्या होगा। तो पहली बात कि टाउ बराबर जो होता है एन आई ए बी साइन थीटा, हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 50, फिर आई का वैल्यू 2, फिर एरिया, एरिया लिखेंगे लेंथ गुणा ब्रेथ, यानी एल इंटू बी, फिर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे बी 0.2, फिर साइन लिखेंगे 60, साइन 60। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो गया 100, ये हो गया आपको 0.1 × 0.2 × 0.1 × 0.2 × √3 / 2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपको 12 × 0.1 × √3, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया आपको 1.2 × √3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको सिंपली आपको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, 1.2 × 1.73। एक यहां पर छूट रहा है, देखो पॉइंट यहां पर एक छूट रहा है ना, ये तो इससे हो गया, ठीक है, एक और है 0.1। तो इसको आप लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 0.1 और 2, यहां पर लिखेंगे 0.1, अप्लाई करेंगे तो लगभग आएगा कितना, 0.2 न्यूटन मीटर, और आंसर जो होगा वो होगा आपको, आंसर है डी, ऑप्शन में डी है। क्वेश्चन नंबर 68, अ करेंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक करेंट लूप है वो है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में है। करंट लूप किसी तरह का होगा, इस तरह से होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अब इसमें मान लीजिए इधर करंट ही दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करता हो, और लूप हो, तो आपको पता है कि अगर किसी भी लूप को आप यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर जो नेट जो टॉर्क लगता है और नेट जो फोर्स लगता है वो होता है आपको 0, है ना। इसमें नेट जो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स एफ, वो क्या होगा, 0 होगा, और नेट जो टॉर्क लगेगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो पहली बात कि ये इक्विलिब्रियम है, क्या ये इक्विलिब्रियम है। तब सवाल ये पूछा है कि इसमें ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या कि सिंपली क्या है, इक्विलिब्रियम है। देखिए ऑप्शन समझ लीजिए, ऑप्शन ही बहुत बड़ा बड़ा है। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन, बोथ इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल, दोनों कह रहे हैं कि अनस्टेबल होगा।
ठीक है, अगर इधर से आप देखते हैं तो इसमें करंट ऐसे जा रही है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर है और इसका क्या होगा, इसका करंट का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब इसमें इसमें देखेंगे, एक में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, और एक में देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एरिया वेक्टर के यानी मैग्नेटिक डाइपोल के पैरेलल हो रहा है। तो बी में कह रहा है कि कैन बी इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन टू ओरिएंटेशन, वन स्टेबल एंड अनदर हो जाएगा अनस्टेबल। अब समझिए, इसका कहीं एरिया वेक्टर लीजिएगा ना, मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर आप इधर ले लिए, सपोर्टेड इधर, तो एक कंडीशन में आपको ये मिलेगा कि इसका एरिया जो वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा, मतलब कि आपको जो मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी के, है ना, बी के क्या होगा, पैरेलल होगा, म्यू बी के पैरेलल होगा। तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं। इसमें भी टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है। तो सपोज दैट कि आप एरिया वेक्टर इधर मान लिया, इस साइड से देखेंगे तो एरिया वेक्टर इधर, सपोज दैट एरिया वेक्टर इधर है, आप इधर से देखेंगे तो एरिया वेक्टर कहाँ नजर आएगा, इधर आएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ आ रही है, इधर ही आ रही है, मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ आ रही है, इधर ही आ रही है, तो इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो गया, जीरो हुआ, एफ भी क्या हुआ, जीरो हुआ। अब मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इधर ही आ रही है, आप देख रहे हैं आप उधर से, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। फिर इस कंडीशन, यहाँ थीटा जीरो है, इस कंडीशन में थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो होगा ही लेकिन अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू जीरो हुआ और एफ इज इक्वल टू भी क्या हुआ, जीरो हुआ। इसीलिए जो आंसर इसका जो होगा, ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, बी होगा। इससे लिखिए फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड कंडीशन। तो आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 69, अ सर्कुलर क्वाइल ए बी सी कैरिंग अ करेंट आई इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, फुल स्टॉप। इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट ए बी इज एफ, द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट बी सी डी ए इज। देखिए भाई, काफी आसान क्वेश्चन है। पहली बात कि ये आपको एक लूप है और इस लूप को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक पार्ट्स ये है और एक पार्ट्स ये है और एक पार्ट्स क्या है, ए है, एक पार्ट्स ये है। ओके तो ये पार्ट्स है, तो इस पार्ट्स का जो फोर्स है वो दिया हुआ है, इस पार्ट्स का फोर्स इसको चाहिए, ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला हिस्सा, इसका फोर्स इसको चाहिए, तो इसको मान लें एफ वन, या आप मान लीजिए इसको ए डी सी बी, ऐसे बी सी डी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी डी ए लिखा हुआ है, बी सी डी और ए। तो आप जानते हैं, वी नो दैट नेट फोर्स ऑन द एनी लूप इज इक्वल टू जीरो। नेट फोर्स ऑन द एनी लूप इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, एफ ए से बी प्लस एफ बी सी डी और ए, और ये क्या हो गया, जीरो। तो एफ ए बी प्लस एफ बी सी डी और ए, तो एफ बी सी डी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो गया, एफ बी सी डी और ए, यही हो गया आंसर। ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ए, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70, अ करेंट कैरिंग क्लोज लूप इज इन द राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन प्लेन इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अलोंग ए बी, फुल स्टॉप।
इफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द बीसी इज एफ द फोर्स ऑन द आर्म एसी इज, पहली बात देख लो ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ, तो ये हो गया आपको ए और ये हो गया आपको सी और ये हो गया आपको बी। तो आपको ए बी जो है, बी सी जो है, इस पे फोर्स दिया हुआ है एफ, इस पे फोर्स दिया हुआ है और आपको इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे जो पहली बात ये है कि एफ जो नेट होगा इसका वो क्या लिखेंगे, एफ ए बी का फोर्स, एफ बी सी का फोर्स और एफ ए सी का फोर्स, और ये नेट क्या होगा, जीरो, क्योंकि लूप में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। एफ ए बी, एफ बी सी और एफ ए सी, ये पहली बात, ये होगा इक्वेशन नंबर वन। अगर इस वायर पर फोर्स अगर एफ है, पहली बात देखो फोर्स कैसे निकलता है, एक करंट है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे है, तो इसका जो फोर्स लगेगा इस वायर पर वो आई एल और बी लगेगा, मतलब इससे फोर्स होगा। अगर मान लीजिए करंट ऐसा है और फील्ड भी इधर है तो फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पे एक फोर्स मिला है, लेकिन अब बताना है कि इस पे फोर्स क्या होगा, इसका कोई चर्चे नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस वायर पर, इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहा है, ऐसा रहा है, तभी ना ये वायर परपेंडिकुलर हो गया, ये वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर, तो फोर्स मिल रहा है, मैक्सिमम फोर्स। और देखो ये पैरेलल है तो फोर्स क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रही है किसी डायरेक्शन में, तो ये जो इस पे कह रहा है कि फोर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा। तो इस पे क्या रह गया, पैरेलल ना हो गया या एंटी पैरेलल हो गया, या तो पैरेलल हो गया या एंटी पैरेलल हो गया, इस तरह से हो सकता है, समझ में आई बात। तो क्या होगा कि इस पे जो फोर्स होगा वो जीरो होगा, समझियो बात को, और इस पे जो फोर्स दिया हुआ है बीसी पे वो दिया हुआ है एफ, तो आपको एफ ए सी का निकालना है, तो निकल गया एफ प्लस एफ ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो एफ जो ए सी होगा वो क्या होगा, माइनस एफ, और यही हो गया आंसर, कट आउट। तो इसका आंसर में होगा बी। तो आज हम लोग 70 तक सोल्व किया है, 69-70 क्वेश्चन, कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 71 से सोल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।